अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में गरीब आवास योजना में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने आवास योजना में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन और कहा, आवास योजना संबंधित कार्यक्रम में कर्मचारी एवं सरकार द्वारा स्पेस कॉम्बाइन कंपनी जबरदस्त धांधली कर रही है और करीब पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के बदले 40-50 हजार रुपए लेकर 1 लाख रुपए तक की रिश्वत वसूलने का कार्य कर रही है। रिश्वत लेने के साथ साथ तीसरी किस्त में 10-20 हजार दिए जाने तक करीब पात्र व्यक्ति अगर रिश्वत देने का मन करता है तो उसका आवेदन कार्यालय में कंप्यूटर पर फीड नहीं किया जाता। आइए जानते हैं पूरा मामला महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा से। भगवत मेहरा के साथ निशांत गुप्ता की रिपोर्ट। लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवास योजना में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवास योजना में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लूटना बंद करो। जी वरुण भाई, आज किस लिए प्रदर्शन किया? आज महानगर कांग्रेस कमेटी और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई चुप्ती मुजफ्फरली जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, मेरे साथ संगठन में उपाध्यक्ष भाई इकराम खान और पूरी टीम, हमारे जैन साहब हो गए, अमरदीप जैन, हमारे इकराम भाई हो गए, घनश्याम पंजी हो गए, सौरभ भारद्वाज जी हो गए, हमारे चौधरी साहब हो गए, सभी साथियों, पूरी टीम, सभी समस्त कांग्रेसजन, डूडा विभाग जो है वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है आज की डेट में कि एक आम आदमी सरकारी योजनाओं को, जो सरकार एक आम आदमी के लिए जो योजनाएं बनाकर भेजती है उसमें 40-50 हजार रुपए लेने का काम वहाँ डूडा अधिकारी और उनके कर्मचारी महोदय कर रहे हैं। हम लोग सब उनका विरोध करते हैं। आज ये प्रदर्शन हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय के दफ्तर पर इसलिए किया है कि जल्द से जल्द अगर उन अधीनस्थ कर्मचारियों को चिन्हित करके उन्हें के साथ कार्रवाई नहीं की गई तो महानगर कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री का पुतला यहीं जिलाधिकारी ऑफिस कार्यालय में फूकेगी, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे पे लाठियां बरसाएं। हम अपना हक, जो आम आदमी का हक है, उसको दिलाने में हमारी नेता प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, चाहे वो आम जन की लड़ाई हो, किसान की हो, मजदूर की हो, महिलाओं की हो, बच्चों की हो, युवाओं की हो, लेकिन ये निकम्मी भ्रष्ट सरकार है, केंद्र की और प्रदेश की। प्रदेश में ऐसा बाबा इन्होंने बिठा रखा है कि उसकी नाक के नीचे सारा काम हो रहा है, लेकिन सारे अधिकारी आंख बंद करके इस काम को करने में उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा योगदान दे रहे हैं। आज तो ये कार्यक्रम यहाँ पर है और 21 तारीख में भ्रष्टाचार मैंने चिन्हित किए हैं कुछ विभाग, वो 21 तारीख में हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और वहाँ पे पुतला फूकने का भी काम होगा इस भाजपा सरकार की, निकम्मी सरकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इकराम खान, उपाध्यक्ष महानगर कांग्रेस। आज जिला कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय पर ये प्रदर्शन करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि एक योजना चली है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, उसमें एक स्पेस कंबाइन कंपनी को जो है वो सरकार की तरफ से अधिकृत है, उसको ठेका दिया गया है आवास बनवाने के लिए, लेकिन उसके कर्मचारी और प्रशासनिक कुछ अधिकारी जो उससे संबंध है वो एक गरीब आदमी से 40-50 हजार रुपए एक आवास पे रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं और ये रिश्वत की चर्चा पूरे क्षेत्र में आम है और यहाँ तक कि लगभग 250 मकान ऐसे हैं कि जिनकी फाइलें बनी और विभाग में जमा हुई।